नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार, मोटिवेशन, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को इन विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं मित्रों, वो चर्चा करना चाह रहा हूं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है मित्रों जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के अभाव में लोग कई बार गलत कदम उठा देते हैं, लोग तनाव में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। और यदि हमको मोटिवेशन प्राप्त होता रहता है मित्रों, तो जीवन में कभी भी अवसाद की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। हम हमेशा उत्साहित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और जहां पे भी रहते हैं मित्रों वहां पर भी दूसरों को भी प्रसन्न बनाए रखते हैं। मेरे संदर्भ में, मेरे विचार से मैं बात कहूं मित्रों, तो दुनिया में वो व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति है जो दूसरों को मोटिवेट करता है, दूसरों को प्रसन्न करता है और कुछ रास्तों पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो जिस किसी को भी मित्रों मोटिवेशन चाहिए, एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों ने हो सकता है पुस्तक को पढ़ा होगा, वो पुस्तक है रांडा बर्न द्वारा लिखित पुस्तक रहस्य। रहस्य एक ऐसी पुस्तक है मित्रों जिस हर किसी को पढ़नी चाहिए। उसके YouTube पे वीडियो भी पड़े होंगे, आप उस किताब को मंगा कर पढ़ भी सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा रहस्य पढ़ने के उपरांत मित्रों। दुनिया की बेस्ट सेलर बुक्स में से है रहस्य। रांडा बर्न की अन्य और भी जो लोकप्रिय पुस्तकें हैं, जादू, शक्ति, ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और सभी पुस्तकें मित्रों एक से बढ़कर एक है। आप किसको कहेंगे कि ये पुस्तक शीर्ष पर है तो कहना गलत है। रहस्य की शुरुआत करिए, रहस्य से शुरुआत करिए। रांडा बर्न की रहस्य की मैं कुछ प्रमुख बातों को मैं कहना चाहूंगा मित्रों, जो कि आप लोग को जाननी चाहिए। पहली बात तो ये मित्रों कि रहस्य यह कहता है कि प्रत्येक विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, प्रत्येक विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। और जितना ही उस विचार की फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग होगी, उस घटना को कारित होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं मित्रों। आप अच्छे मन से कहीं जाने के लिए निकलिए, जैसे निकलेंगे घर से बाहर आपको ऑटो टेम्पो मिल जाएगा, आपको रेलवे स्टेशन पर गाड़ी भी मिल जाएगी, आप चले जाएंगे। और यदि आप बुरे मन से निकलेंगे मित्रों तो प्रयास देखिएगा हमेशा गलत होता है। रांडा बर्न का कहना है मित्रों कि समान चीजें समान को आकर्षित करती है। जब भी हम कोई विचार जनरेट करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी का विचार जनरेट करते हैं, तो उसी समान फ्रीक्वेंसी की चीजें हमको आकर्षित हो, मतलब हम आकर्षित करते हैं। जैसे मैं यदि सोचूं कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो हम एक्सीडेंट को आकर्षित करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार आप देखिएगा मित्रों, आशंका जिसको हम करते हैं वो आशंका सही साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। इसलिए अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। वो जो विचार हो वो सकारात्मक विचार हो, अच्छे विचार हो, उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग रखिए। यदि कोई आपके आसपास निगेटिव विचारधारा का फ्रीक्वेंसी लेकर के आएगा मित्रों, स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी आपसे होगी तो आपको दुष्प्रभावित कर देगा। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग करना है। रांडा बर्न का कहना है मित्रों कि जब हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, कोई भी विचार रखते हैं, वो ब्रह्मांड में जाता है। रहस्य में ब्रह्मांड बार बार जिक्र किया गया है, जबकि बाहरी दुनिया में यदि आप देखेंगे तो ईश्वर उसको कह सकते हैं, तो ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड उसको कारित होने में पूरी मदद करता है। यदि वो चीजें नहीं है मित्रों तो वो चीजें सृजित करता है, सृजित कर देता है चीजें। कैसे इसको समझने की कोशिश करें,
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका बच्चा है और जिद पे अड़ जाता है कि हमको साइकिल चाहिए, हम क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं बेटा साइकिल अच्छा नहीं होता है, खराब है, ये है वो है, उसको मना करते हैं। लेकिन बेटा जिद पे अड़ जाता है कि नहीं हमको साइकिल चाहिए ही चाहिए, तो क्या करते हैं मित्रों? कहते हैं कि उसको वादा करते हैं उसका अगले महीने हम जब हमारा पेमेंट होगा, पैसा आएगा, ये दिक्कतें वो दिक्कतें दूर होंगी तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन बच्चा जिद पे अड़ जाए कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमको साइकिल नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप मजबूर हैं, आपके पास भले ही पैसा ना हो, किसी और से पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के, उधार लेकर के उस बच्चे को साइकिल दिलाएंगे, क्योंकि हम अपनी संतान को दुख में रहना कभी भी देख नहीं सकता है। रांडावरण कहती है मित्रों, रहस्य में कहता है कि हम भी ईश्वर की औलाद हैं और ईश्वर हमें निराश, नाराज, गुस्से में नहीं देख सकता। इसलिए जो भी चीज चाहिए आपको, उन चीजों के लिए जिद करो, अड़ो उसके लिए, और जब जिद पे अड़ोगे ईश्वर, तो ईश्वर उसको कारित करेगा, वो नई तरीके से नए चीज बना करके आपको सृजन करके वो देगा, वो देगा ही। इसे एक और उदाहरण से थोड़ा सा समझ सकते हैं मित्रों, कि ये सृजन होता है, किसी चीज किसी का छीन करके किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे आप देखिए कलर्स टीवी चैनल आया, कलर्स टीवी चैनल जैसे ही आया मित्रों, छा गया, उसको कई हजारों करोड़ के एड मिलने लगे। तो क्या कलर्स को जो एड मिलते थे, क्या वो एड स्टार प्लस में कम हो गया, या क्या स्टार प्लस से, सोनी से, जी से उसको एड छीन के दिया गया? नहीं मित्रों, वो एड का सृजन किया गया, वो सृजन हुआ। उसी तरीके से जब आईपीएल आया, कई हजार करोड़ के उसको एड मिलने शुरू हो गए। तो क्या वो एड जो मिलने शुरू हुए, क्या वो एड किसी से छीन के दिया गया? नहीं, वो भी सृजित किया गया। इसी तरह से सृजन होता है, जब भी हम कोई चीज चाहते हैं मित्रों, तो उसका सृजन होता है। रांडावरण कहती है कि वो सृजन करता है। तो हम रांडावरण का कहना है मित्रों कि सभी के लिए इस ब्रह्मांड में समान अवसर है, और यदि एक व्यक्ति ग्रो होता है तो ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे से छीन करके ग्रो होता है। सभी ग्रो कर सकते हैं, सभी ब्रह्मांड से ले, ब्रह्मांड से सबको समान अवसर मौजूद है। तो हमें अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग रखनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है मित्रों कि इन विचारों को लिखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कुछ हम चीज मन में सोचते हैं तो जितना उसका शक्ति होता है, जैसे हम मान लेते हैं एक किलो के हिसाब से शक्ति पावर मान लेते हैं, कि विचारों को, एक विचार को हम एक किलो कहेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो किसी का कहना है कि मित्रों यदि हम किसी विचार को मन में रखते हैं तो एक किलो वजन हो गया, यदि हम उसको बोल देते हैं तो उसका वजन 10 किलो हो जाता है, और यदि हम उस विचारों को किसी कागज पर लिख देवें तो उस विचारों का वजन अगेन 10 गुना हो जाता है, यानी 1 क्विंटल का हो जाता है। और यदि उन विचारों को लिख करके बार बार पढ़ते रहें तो वो 1000 किलो का वजन हो जाएगा। मतलब विचारों को सोचने की तुलना में लिखना जो है, उसको मनन करना जो है, उस विचारों की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसलिए विचारों को लिखने की आदत डालिए, और लिखने के दौरान यह प्रयास करें मित्रों कि जो भी लिखे अच्छी बातें लिखे, सकारात्मक बातें लिखे, नकारात्मक बातें मत लिखे। जो चाहिए हमको उसको लिखना है, जो नहीं चाहिए उसको नहीं लिखना है। अन्यथा यदि हम यह लिख देंगे कि हमको नहीं चाहिए तो वही मिलेगा। यदि हम चाहें कि हम दुख, हमको नहीं चाहिए, मत मांगिए हमें दुख नहीं चाहिए, वो दुख ब्रह्मांड जो है दुख शब्द सुनता है, दुख की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और दुख आता है। खुशी मांगिए, सुख मांगिए, जब सुख मांगेंगे, खुशी मांगेंगे, कुशलता मांगेंगे,
समृद्धि मांगेंगे तो वो चीजें आएगी। एक वो डायलॉग है ना ओम शांति ओम का, शाहरुख खान वाला, जिसमें कहता है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको दिलाने में मदद करती है। तो रांडावन का कहना है बिल्कुल यही है, यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें मित्रों तो ब्रह्मांड उसको दिलाने की पूरी करता है। अगला कहता है मित्रों रांडावन तीसरे नंबर पर कि जो चीज हम चाहते हैं उस चीज को अपने पास होने का एहसास करें, हम व्यवहार वैसे ही करें जैसे मुझे वो चीजें मिल गई है, तो उसको कारित होने की संभावना और बढ़ जाती है। मन दो प्रकार का होता है मित्रों, एक मन होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन मतलब मन के जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चेतन मन कहा जाता है, अवचेतन मतलब बिल्कुल मन का अंदर हिस्सा। और जो बातें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं मित्रों, वो बातें वो संभावनाएं उसके कारित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो कहता है कि दिल से प्रसन्नता, दिल से आशीर्वाद देना, दिल से श्राप देना, तो वो जो होता है अवचेतन मन से जो दिया जाता है मित्रों, अवचेतन मन जो बैठाया जाता है वो चीजें हो जाती हैं। तो हम जो भी सोचें उसको अपने पास होने का एहसास करें। और एक और चौथी चीज मित्रों ये कहता है कि इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उन विचारों को लिखिए और पढ़िए। रांडावन कहती है कि उसको इमेजिन करिए, जैसे आपको कार चाहिए तो कार की सुंदर फोटो आप ला करके रख दीजिए, आपको बड़ा घर चाहिए तो उस बड़े घर की फोटो आप सामने रख दीजिए, जो चीज आपको चाहिए उसे अपना वॉलपेपर बना के रखिए, उसको सामने रखिए, बार बार उसको देखते रहिए। जब हम उसको देखेंगे मित्रों तो हमको प्रेरणा मिलती है उसको कार्य करने की, बार बार उसको करने की, और वो चीजें होती है। तो हमें देखना है किसी चीज को। मैं एक कहानी कहना चाहूंगा मित्रों, जब डिज्नी वर्ल्ड का उद्घाटन हो रहा था, डिज्नी वर्ल्ड जब बन रहा था तो वाल्ट डिज्नी की डेथ हो चुकी थी, जब वो पूरा बन के तैयार हुआ, जब बन के तैयार हुआ मित्रों, जब उसका उद्घाटन होना था तो उद्घाटन के लिए किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया गया था। उस बड़े व्यक्ति ने कहा वहां पर कि यदि आज वाल्ट डिज्नी जिंदा होते तो देखते कि उनकी जो रचना है या जो सोचे थे वो कितना सुंदर। उनकी पत्नी ने तत्काल रोका, कहा नहीं, वाल्ट डिज्नी ने इसको सालों पहले देख लिया था कि ये जो रचना है ये इस तरह की बनेगी, उसकी आंखों में वो फिगर क्लियर कट था। आप देखिए, हम लोग मकान बनवाने जाते हैं मित्रों तो आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाते हैं और उस नक्शे पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि मेरा मकान इस तरह का दिखेगा। हम अपने आंखों में, अपने विचारों में किए रहते हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, हम पर्दे ऐसे रखेंगे, बेड ऐसे रखेंगे, दरवाजे ऐसे बनाएंगे, मेहराब ऐसे बनाएंगे, हम उसकी जो कल्पना है पहले ही कर चुके होते हैं, फिर हम उसको मूर्त रूप देते हैं। तो रांडावन कहती है कि हमको जैसा जीवन चाहिए हम उसको इमेजिन करें, कल्पना करें, संभव हो तो उसका पिक्चर बना करके सामने रखें, और पिक्चर बना के सामने रखेंगे मित्रों तो एक न एक दिन वो कारित हो जाएगी, वो हमको प्रेरणा देगा। सपने वो नहीं होते मित्रों जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और ये जो विचार है, जो इमेजिनरी जो पावर है, वो आपको सोने नहीं देगा, आपको घटना कारित करने या उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो रहा, रहस्य किताब पढ़ेंगे तो और डिटेल जानकारी मिलेगी। आगे चल करके इसी तरह के और वीडियो में लेके आता रहूंगा।
यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, यदि सहमत है तो भी टिप्पणी करिए, असहमत है तो भी टिप्पणी करिए। याद रखिएगा ये जो विचार है मित्रों, ये सामान्य विचार है, सामान्य परिस्थितियों में क्रिएट होता है, इसके अपवाद भी मिलते हैं, अपवाद भी मिलते हैं। तो हमें अच्छी चीज़ों की कल्पना करना है, पॉजिटिव चीज़ों की कल्पना करनी है, और पॉजिटिव चीज़ों की कल्पना करेंगे तो नतीजे भी बहुत बेहतरीन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।